हाई एवरी वन, आई एम कोमल तिवारी, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज हम लोग कटलेट बनाने वाले हैं और इसके लिए हम लोग यहाँ पर 6 मिर्चे लिए हैं। गाइज, हम लोग 6 लोगों का नाश्ता बना रहे हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पर 11 आलू लिए हैं और यहाँ पर हम लोग 8 ब्रेड लिए हैं। गाइज, आपको ब्रेड को इस तरीके से अच्छे से जो है अपने हाथों से छोटे छोटे पीसेस इसको तोड़ लेने हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में आपको इसे अच्छे से इसे मैश कर देना है। आपको यहाँ पर आलू को भी इसी में मैश कर देना है। आपको आलू और ब्रेड सबको अच्छे से मिलाकर इस तरीके से मिक्स कर देना है और इसे अच्छे से आप मैश कर दीजिए। ये देखिए, हम लोग आलू और ब्रेड इसे अच्छे से इसे छोटे छोटे पीसेस में अच्छे से इसको मैश कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, तो हम लोग इसमें 1 स्पून नमक डाले हैं। गाइस, हम लोग जो आलू और ब्रेड मैश किए थे उसे आप इस तरीके से आप शेप दे सकते हैं। ये कटलेट का शेप है, आप अपने हाथों से इसे इस तरीके से शेप दे दीजिए। आप देख सकते हैं हमारा ये आलू और ब्रेड का शेप पूरा तैयार हो चुका है। ये देखिए, आपको 1 छोटा कप बेसन ले लेना है और आपको इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है और इसे अच्छे से आप मिला लीजिए। गाइस, आपको इसमें बेसन के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड करना है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। आप जितना बेसन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप नमक इसमें ऐड कर लीजिए। आपको 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है और आपको 1 चम्मच धनिया पाउडर डालना है इसमें। इससे ना हमारा टेस्ट अच्छा हो जाता है कटलेट का। गाइस, आप इसमें जीरा ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास जीरा पाउडर है तो वो तो और भी अच्छा है। आप इसमें जीरा पाउडर भी ऐड कर लीजिए और आप इन सबको अच्छे से इस बेसन में मिक्स कर लीजिए। गाइस, आपको आप पानी थोड़ा थोड़ा डालना है और आपको चलाते रहना है ताकि ये बेसन हमारे इकट्ठे बैठ ना जाए, इसलिए आप इसमें पानी डालिए और इसे चलाते रहिए। इस तरीके से आप इसे चलाइए। अभी हमारा बेसन काफ़ी गाढ़ा है तो हम इसमें अभी और पानी डालेंगे। जब तक कि ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा लिक्विड के फॉर्म में ना हो जाए तब तक आप हम लोग इसमें अभी पानी ऐड करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोगों को इसे अच्छे से फेंट लेना है। यस गाइस, ये देखिए, हम लोग पानी इसमें ऐड किए हैं ताकि ये अच्छे से एक लिक्विड के फॉर्म में हो जाए। हमारा ये देखिए बेसन का पेस्ट अब तैयार हो चुका है। गाइस, अब आपको 1 कढ़ाई में तेल ले लेना है। ये हमारा कटलेट था जो हम लोगों ने बनाया था और इसके बगल में हमारे बेसन का पेस्ट है। गाइस, जो हम लोग कटलेट बनाए थे ब्रेड और आलू का, अब हम उसे बेसन में अच्छे से इस तरीके से इसमें मिक्स करके अब हम कढ़ाई के तेल में इसमें डाल देंगे। ये देखिए, हम लोग मिक्स कर लिए हैं और अब हम लोग कढ़ाई में इसे डाल दे रहे हैं। अब आपको छन्नी से इस कटलेट को आपको चलाते रहना है। और एक और बात गाइस, आप धीमी आंच करिएगा, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना ही बहुत ज़्यादा एकदम लो, एकदम स्लो ही ना हो, मीडियम हो। और आप इसे छन्नी से इस तरीके से आप पलटते रहिएगा ताकि ये अच्छे से पक जाएं और हो जाए, इसके आलू और ब्रेड अच्छे से इसमें आराम से पक जाएं। देख सकते हैं हमारा कटलेट लगभग तैयार हो चुका है। आप इसमें देखिए, इसमें रेडिश हो चुका है थोड़ा सा, इसका मतलब ये तैयार हो गया। अब आप इसे छन्नी से एक प्लेट में इसे छान लीजिए। यस गाइस, हमारा कटलेट अब रेडी हो चुका है, आप इसे छान लीजिए। हमारा कटलेट तैयार हो चुका है। आप इसे खट्टी चटनी या मीठी चटनी या फिर आप टमाटर की चटनी के साथ इसे ले सकते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी कटलेट बनाने की रेसिपी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।